दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिसने ऐसी जबरदस्त पारी खेली थी जिसे देखकर पूरी दुनिया रोने लगी थी। दोस्तों इनकी जबरदस्त पारी की वजह से पूरी दुनिया नहीं रो रही थी बल्कि जिस बल्लेबाज ने इतनी जबरदस्त पारी खेली थी उसके दर्द को देखकर पूरी दुनिया रो रही थी। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे ही मैच के बारे में बताएंगे जिस मैच के दौरान युवराज सिंह ने 113 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। दोस्तों वर्ल्ड कप 2011 के दौरान यह घटना घटित हुई थी। युवराज सिंह ने वेस्ट इंडीज में हुए मैच में भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए 113 रनों की शानदार पारी खेली थी। दोस्तों इस वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन दोस्तों युवराज ने अपने कैंसर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अपने देश के लिए 113 रनों की विस्फोटक पारी खेली और इतने दर्द में खेलने के बाद युवराज ने भारत को विश्व विजेता बना दिया था। दोस्तों इस मैच को युवराज और क्रिकेट के चाहने वाले लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों इस मैच में युवराज को बल्लेबाजी के दौरान खून की उल्टियां होने लगी थी, लेकिन दोस्तों अपने देश के लिए खेलते रहे और मैच को जीता दिया था। दोस्तों मैच जीतने के बाद स्टेडियम और पूरे भारत के लोगों के आंखों में आंसू थे क्योंकि युवराज ने कैंसर होने के साथ ही अपने देश का नाम रोशन किया था।